ओके सो वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, इट्स योरूज। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ कि नैनीताल में लॉकडाउन खुला है नहीं खुला है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को ना कमेंट करते हैं कि कैसा है सब कुछ, कैसा नहीं है, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को कुछ लोग मिले जो कि मेरी वीडियोज़ देखे यहाँ पर आए थे, तो उनके उनसे मैं आप लोग को सब कुछ पूछूंगा और मैं आप लोग को वीडियो दिखा दूंगा, मैंने बना ली थी। तो वो लोग आए थे यूपी से, तो मैंने उनके साथ एक वीडियो शूट कर ली थी। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, वो इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। एंड नैनीताल का जो हाल है, अगर आप लोग को वो भी देखना तो इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, आप लोग कमेंट करना अगर आप लोग को अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लेना, मेरे को मैसेज कर देना अगर कुछ अभी भी आप लोग को पूछना होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सैटरडे संडे खुला है या फिर नहीं खुला है, तो सैटरडे संडे ना गाइस वीकेंड्स हैं, तो वीकेंड्स में बंद है सब कुछ। आप लोग को टूरिस्ट प्लेसेस कुछ भी खुली हुई नहीं मिलेंगी, थोड़ी बहुत शॉप्स मिल सकती हैं सुबह तक 10-11 बजे तक, उसके बाद तो मुश्किल ही है। तो बहुत ज्यादा देर मैंने बोल दिया, इतनी देर के लिए लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना यार। गाइस, तो हम लोगों से कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, तो ये आए हैं यूपी से शायद। तो इनसे मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बैक कैमरे से मिलता हूँ। तो हमसे कुछ भैया लोग मिलने के लिए आए हैं, ये यहाँ पर भी हैं। तो ये आए हैं, आप कहाँ से हो भैया? तालग्राम कन्नौज, यूपी। यूपी कन्नौज, यूपी कन्नौज से। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते थे? जी डेली आपकी वीडियो देखते हैं। हाँ बताइए, डेली आपकी वीडियो देखते हैं। तो उससे आपको कुछ थोड़ी हेल्प वेल्प मिली? जी, बहुत बहुत हेल्प मिली उससे, आपकी वीडियो देख के। फिर आरटीपीसीआर रिपोर्ट करवाई जी, उसी हिसाब से फिर चेकिंग वेकिंग वगैरह रास्ते में बहुत हेल्प मिली आपकी वीडियो से। तो चेकिंग कहाँ पर देखने के लिए मिली आपको? चेकिंग ये बॉर्डर पे देखने को मिली, और उसके आगे कौन से बॉर्डर पे? यहाँ यूपी और उत्तराखंड का ये बॉर्डर। अच्छा अच्छा, क्या है वो? ये हल्द्वानी, हल्द्वानी पुल भट्टा पड़ता है वहाँ पर। जी जी। तो और ये पूछूं, तो आरटीपीसीआर के अलावा और तो कुछ डिफिकल्टीज नहीं? और कुछ नहीं है, वो ई पास वगैरह बनाना, ई पास और देहरादून स्मार्ट सिटी का। अच्छा अच्छा हाँ, उसकी वेब पोर्टल की वेबसाइट पे जाइए, जो बता ही रहा हूँ मैं। सो आप लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड जो हम लोग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी भैया लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी वीडियो देखते हैं, बढ़िया लगती है हमें। तो ये भाई बोल रहे थे कि सारी सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं। तो आपकी वीडियो देखते हैं, आपके फैन बहुत बड़े हैं, सब्सक्राइबर हैं हम लोग। अनुज भाई के हम ही नहीं करवाया था हमने, कि अनुज भाई के फैन है, इसलिए आपके भी फैन हो गए हम लोग आपकी वीडियो देख देख के। थैंक यू थैंक यू। बस मतलब आपसे मिले हैं यार, बस आप लोग बस सपोर्ट करिए, बस छोड़ना नहीं वीडियोस देखना, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो बस आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, चलिए मिलते रहेंगे फिर। थैंक यू गाइस, यहाँ पर देख सकते हो भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। वहाँ से मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, तो ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। तो उन लोगों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी मैं चलता हूँ घर, एंड छोटी सी वीडियो यहीं पर एंड कर देंगे। एंड या तो भाई लोग मेरे को एक एक गिफ्ट दे रहे हैं। अरे भैया आप भी तो आओ, अरे आओ ना, आप तो आइए। आपका नाम क्या है? मेरे को पता नहीं है। जफर है इनका नाम, एंड इनका नाम सुल्तान है। कर दिया भैया, तो ये मेरे लिए गिफ्ट दे रहे हैं, मैंने तो काफ़ी बना करा। थैंक यू भाई।